पिछले दिन ही अजनाला तो एक सिख नौजवान अगवा करके जंडियाला गुरु नजदीक लिजा के कुटमार करने के इल्जाम के चलद अजनाला पुलिस वालों वारिस पंजाब जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह उन्होंने कुछ साथियों और कुछ अणपछाते व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस तो बाद 18 फरवरी की सवेर में अजनाला पुलिस ने भाई अमृतपाल सिंह जथेबंदी के एक सिंह लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान सिंह संधु न गुरदासपुर तो गिरफ्तार किया, जिसनों की देर रात अजनाला की मानयोग अदालत में पेश किया गया। तूफान सिंह की हुई गिरफ्तारी मगरों उसका परिवार सामने आया है। तूफान सिंह के परिवारिक मैंबर ने कहा है कि पुलिस ने झूठा मामला दर्ज करके तूफान सिंह को गिरफ्तार किया है। पिछले 10 दिन तो तूफान सिंह अपने घर में ही रह रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन तो मांग की है कि तूफान सिंह को जल्द रिहा किया जाए। जानकारी देंदे लवप्रीत सिंह तूफान के चाचा ने दसा है कि सवेरे 7:30 बजे पुलिस वालों उन्होंने घर रेड की गई और लवप्रीत सिंह तूफान को चुक लिया गया। देखो जी, गुरदासपुर जिले का प्रधान है तूफान सिंह। हाँ जी, कोई यहोजा कोई इशू नहीं है भी हाँ भी वारस पंजाब के जथेबंद अमृतपाल भाई अमृतपाल सिंह होनी मतलब ये सेवा तौर पर चलन डे जी अमृत संचार कराउन डे कोई इतने जो नशे आने तुरे फिर उन्होंने कोई भत्त नहीं पाँगा है ना। तो साढ़े जो कोई चंगा काम करते उन्होंने फट फट के लै जाओ ना दसो परिवार को परिवार मगर की करे। देखो परिवार अब सवेरे 7:30 बजे करीब 7:15 करीब इतने पुलिस आँदी है तकरीबन 8-9 गड्डिया होनगियां पुलिस दियाँ तिब्बड़ जी हैगी थाने की पुलिस भी नाल आते गुरदासपुर की भी शायद नाल हो सकती है तो बाकी अजनाला पुलिस कहें आई आ जी। हाँ जी, हाँ जी रमदास जितों की भी उन्होंने आके तो बंदा बिना पुछो मतलब केंद्र भी नाल जुड़ते पुछ गिछ करके छड़ दें। देखो जे बंदा नाल लै गए घटो घट ये दसन भी खड़िया किहड़े केस दे विच आ कित्थे आ जिहड़ा जदों इनोसेंट बंदा तुसीं लै के जाओगे परिवार नूं पिछे पता ही नहीं भी की बन डिया कितना होण डिया। पुलिस जिहड़ी तिब्बड़ वाली उह ते कहिंदे भी मैं नाल गई हाँ मैडम कह रहे नाल मैं गई हाँ नाल लै के गए हाँ पर उह हुण उहनां दा हुण सानूं पता नहीं लगणा भी बंदा है कित्थे आ है नहीं ते हुण छोटा बच्चा आ जे हफ्ते दा बच्चा नहीं है साडा है ना ते उह बच्चे दा मगरों की आ बंदा भी जिहड़ा नाल लै के लवप्रीत सिंह घरे ही बैठा किते नहीं गया तो जे मान लो इतने बहन के बावजूद भी तुम घर नहीं टिकन देना तो फिर बंदा करेगा की नहीं कोई बयान नहीं उन्होंने जी भाई अमृतपाल सिंह ने बयान दिता भी साढ़े बंदे रिहा किए जा मतलब जल्दी जल्दी इदा गल नहीं बनती तो हूँ देखो जी ये तो हम अगला देखो अगला तो एक्शन फिर हूँ फिर उधर नहीं तुरना पेगा कानून वाले पास जाना पा उन्होंने मतलब हाँ जी नहीं ये बारे सानू नहीं पता जी कुछ भी ना सानू ये बारे दसा किसी ने ना सा किसी ने गल की है घर जो बच्चा है घर ही है जी वो कोई क्राइम नहीं हुआ जी कोई कुछ नहीं है मतलब सानू तो पता भी साडा जो बंदा इतने घर वा तो फिर ये है ना अजे 5 दिन का तो बच्चा है जी। पिंड तिबड़ी तो मेरा भतीजा है काका लवप्रीत सिंह तूफान बोलते आ सवेरे पुलिस आई आ मतलब कोई 7:30 7:15 लगभग मतलब मनेरे तो वह सानू उदों पता लगा वा जो मतलब भी उन्होंने सुते पे उन्होंने चुक के तो लै गए तो ना साढ़ा उन्होंने गलबात की कोई जे पुछते रहे भी दसो कि कानून च खाने कहते कोई नहीं पुछगिछ करनी माड़ी पुछगिछ करके छड़ देना अं कहते कि कोई अतवादी है जो क्राइम किया कहने नहीं पुछगिछ करनी अं तो इन्हें ना तो सू कोई कोई कापी कोई दी है ना कोई प्रूफ दिता वा तो साडा बच्चा चुके लै गए तो अं पुछते रहे पर इन्होंने दसा कहते अमृतसर खड़ने कोई कभी कहते जनाले खड़ा वा जे अं तिब्बड़ वाले पूछा तिब्बड़ कहते जनाले गए जनाले पता किया तो उत्थे भी है नहीं गा ना अमृतसर सू पता लगन डाया कोई साडा बच्चा जरा वा लोकल पुलिस जी नाल आई हैगी तिब्बड़ की उन्हों की गए हाजरी के मतलब भी बच्चा जरा इतों खड़िया वा तो साडा बच्चा जरा पता लगना चाहिए अमृतपाल की जथेबंद कोई संबंध नहीं कहना था मतलब भी ये अपने जाते जा सेवा तौर सेवा तौर पर जाते रहे सेवा करके आ जाते रहे घर बच्चे तो यदा बच्चा जरा 5-6 दिन हो गए मतलब बच्चा हो घर रहा एक कित गया भी नहीं छोटा बच्चा 5 दिन का सारा बच्चा है अजी तो सुते उन्होंने खड़िया वा मोबाइल भी इन्होंने कोल वा जरा को ही मुंडे के ओ अं कहने भी साडा बच्चा जरा लभना चाहिए साढ़े घर आना चाहिए जब सा धक्का हो बड़ा साडा धक्का जरा यही नहीं सहा जाना परिवार सारा बीमार पिया उन्हों का तो साढ़े हाथ जुड़ के बेनती है सू पता लगना चाहिए इसका वाहगुरू जी खालसा वाहगुरू जी की फतह। कोई बयान नहीं आया जी किसी का भी कोई भी हाँ जी पुलिस वालों यो कहते जनाले है तो जनाले वाले कहते साढ़े कोई पहुंचा नहीं गया जी कोई यो गल बयान होर बयान कोई नहीं गा जी कोई